कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया भर पर प्रभाव पड़ा है। उद्योग धंधे हो या फिर कृषि क्षेत्र हो, सभी पर असर पड़ा है। किसानों को दोहरी मार पड़ी है, किसान कर्ज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के नासिक जिले में हूँ। नासिक जिले की एक पहचान प्याज उत्पादक शहरों में से है। देखिए ये खेत, और खेत में प्याज पड़े हैं। देखिए प्याज, और अच्छी किस्म के प्याज हैं, लेकिन प्याज के खरीदार नहीं हैं, व्यापारी नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुंबई और दिल्ली के बाज़ारों में प्याज 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये किलो तक बिक रहा है, वहीं इन खेतों से प्याज खरीदने वाले व्यापारी नहीं आ रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं। कोरोना की वजह से आवाजाही में दिक्कत, कोरोना की वजह से सुरक्षा की चिंता, ये तमाम वजहें हैं। देखिए किसान अरुण है, अरुण अपने खेत में फिलहाल प्याज साफ कर रहे हैं, अच्छे प्याज को निकाल रहे हैं, लेकिन खेतों में इस प्रकार से प्याज रखा हुआ है, कई टन प्याज रखा हुआ है, लेकिन प्याज के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अरुण से बात करते हैं। अरुण, आप प्याज उत्पादक हैं, कितनी चुनौतियाँ आ रही, क्या दिक्कत हो रहा है कोरोना की वजह से? व्यापारी भी इधर नहीं आ रहा है मोहल्ले में, उधर मार्केट भी चालू नहीं है, क्या करेंगे ये प्याज का? अभी मार्केट भी व्यापारी आते हैं तो 500-600, ज़्यादा तो ज़्यादा 800 रुपये तक लेते हैं क्विंटल, तो उतना तो खर्चा ही हुआ है ना, कोई रुपया भी नहीं आ सकता हमारे पास। व्यापारी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और जब अगर आते हैं तो क्या कीमत लगाते हैं? वो आते हैं तो ज़्यादा 550-600 रुपये कीमत लगाते हैं क्विंटल का, ना अभी आते नहीं, मतलब उनको कोरोना की वजह से भी आ नहीं रहे। ऐसा है क्या कि कोरोना की वजह से डर गए हैं कि महाराष्ट्र में केस ज़्यादा है, उनके राज्य में आएगा, ऐसा भी कुछ है, बाहरी व्यापारी नहीं आ रहे? हाँ वो तो होगा ही ना, तो इधर आते तो वो वैसा तो कुछ नहीं बताते, लेकिन बोलते उधर प्याज बिक भी नहीं रहा है तो इतने कम भाव से मांगते हैं ना वो। देखिए ये जो प्याज है, ये बता रहे हैं कि 100 किलो प्याज अगर है तो उसकी कीमत 600-700 रुपये, यानी कि 1 किलो प्याज की कीमत 6 रुपये या 7 रुपये लग रही है। ये कीमत लगाकर व्यापारी यहाँ से लेकर जाते हैं। व्यापारी कहते हैं कि उनके बाज़ारों में प्याज बिक नहीं रहा है और यहाँ पर खेतों में प्याज इसी तरह से पड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, लगभग 1 एकड़ की जब आप खेती करते हैं तो कितना खर्चा आप लगाते हैं, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आमदनी कितनी होती है? वो खर्चा तो कम से कम 1 लाख रुपये लगाते हैं, तो एकदम ठीक से भाव मिला तो निकलते हमको 1-1.5 लाख रुपये, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं निकल रहा है ना, 600-700 रुपये से क्या निकलेगा? यानी आप 600-700 निकालेंगे तो आपको नुकसान ही है, कर्ज में जाएंगे आप? हाँ कर्ज में जाएंगे, ज़्यादा तो ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये होगा, तो 30 हज़ार रुपये तो लॉस से आएगा ना हमको। देखिए ये स्थिति है किसानों की कि 1 एकड़ की खेती के पीछे 1 लाख रुपया खर्च होता है, और ये जो प्याज है वो इस समय 6-7 रुपये किलो इस यहाँ से बिक रहा है, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये में ये पूरा प्याज इनका बिकेगा, तो 30 हज़ार रुपये इनके नुकसान होते हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि जो प्याज बेचने वाले किसान हैं उन पर किस प्रकार की मुसीबत दिक्कत आ गई है। आपको याद होगा कि आज से चार महीने पहले प्याज की कीमत 70-80 रुपये प्रति किलो तक थी। मुंबई दिल्ली जैसे बाज़ारों में प्याज बहुत महंगी हो गई थी। अब देखिए परिस्थिति कि खेतों में प्याज पड़ा हुआ है, व्यापारी नहीं आ रहे हैं लेने के लिए। व्यापारी अगर आ रहे हैं तो अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। प्याज उत्पादक अपनी जो प्याज है वो 6-7 रुपये किलो में बेचने के लिए मजबूर हैं। तो ये स्थिति आ गई है, और ये कहीं ना कहीं किसानों को कर्ज की ओर ढकेल रही है। अब किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, कोरोना संकट के बीच ये अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, और अगर फसल बेच पा रहे हैं तो कर्ज इनके ऊपर चढ़े जा रहा है, नुकसान सहकर ही अपना प्याज बेच रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।